अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर, क्लास 7, साइंस फैक्ट फाइल 2. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड लेक्चर, चैप्टर नंबर 1, हीटिंग एंड कूलिंग, पेज नंबर 3 है. प्रीवियस टॉपिक में हम टेम्परेचर एंड हीट के बारे में डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स से. जितनी पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा मूवमेंट मूव करेंगे. अगर उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब नेक्स्ट हमने पैराग्राफ पढ़ना है. एज अ सॉलिड कूल, जैसे सॉलिड कूल होता है, हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड. उसमें से हीट एनर्जी क्या हो जाती है, रिमूव्ड हो जाती है. द पार्टिकल्स विल मूव मोर एंड मोर स्लोली. अब जाहिर सी बात है, हीट एनर्जी क्या हो गई, रिमूव हो गई है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अनटिल दे स्टॉप मूविंग ऑल टुगेदर, हत्ता के उनकी मूविंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पार्टिकल्स मूव करना स्टॉप कर देते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर है एट विच अ मटीरियल हैज़ नॉट हीट एनर्जी, जहाँ पे मटीरियल के पास कोई भी हीट एनर्जी नहीं होती. दिस टेम्परेचर इज़ -273°C, और इनका टेम्परेचर कितना होता है, -273°C. फॉर साइंटिफिक वर्क के लिए इट इज़ अ कॉन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. वो एक ऐसा स्केल यूज़ करते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है. दिस टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द केल्विन स्केल, और इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल बोलते हैं. इट स्टार्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है. एंड हैज़ डिग्री विच आर द सेम साइज एज अ डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, और इसकी डिग्री बिल्कुल सेम होती है, जो सेल्सियस स्केल पर जो सी डिग्री होती है उसके निस्बत इसकी डिग्री सेम होती है. अब हम पेज नंबर 3 की टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इससे रेलिवेंट करेंगे क्वेश्चन और उनके आंसर्स देखेंगे. पेज आपने ऐसे ही रेडी करना है. यूनिट नंबर 1 मेंशन करना है, हीटिंग एंड कूलिंग, टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस. द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, अब पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे चेंज होगी, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, यानी कि जितना उसका टेम्परेचर होगा उतना ही वो ज़्यादा मूव करेगा. अगर उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी मूवमेंट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे हैव एट हाई टेम्परेचर. पर हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, द पार्टिकल्स मूव अबाउट वेरी फास्ट, तो पार्टिकल्स मूव बहुत तेज़ी से करेंगे. एज टेम्परेचर फॉल, जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, दिस एनर्जी इज़ लॉस्ट, उसकी उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. एंड पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली, और वो बहुत आहिस्ता से मूव करना स्टार्ट कर देंगे. वट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस स्टॉप मूविंग, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पार्टिकल्स अपनी मूविंग मूवमेंट को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. और इसका टेम्परेचर कितना होता है, -273°C. वट इज़ केल्विन स्केल, केल्विन स्केल किसे कहते हैं, द केल्विन इज़ अ टेम्परेचर स्केल विद डिग्रीज द सेम साइज एज द सेल्सियस स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट ज़ीरो. ये एक ऐसा स्केल होता है जो एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है और उसकी डिग्री सेम होती है जो सेल्सियस स्केल पर होती है डिग्री. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही नोटबुक पर लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है, और इंशाल्लाह आपके ये चेक होंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.